It's been a busy day, it's been a hectic day, लेकिन खुशियों से भरा दिन रहा और इसकी शुरुआत जो है वो दिन की शुरुआत में ही हो गई थी। मैं किसी न्यूज रिपोर्टर की तरह साउंड कर रही हूँ ना, लेकिन न्यूज ही कुछ ऐसी है। आज मैं पूरे दिन टीवी के सामने बैठकर मनु भाकर की कहानी को फॉलो कर रही थी। मनु भाकर कौन है? पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया को अपना पहला मेडल जिताकर मनु भाकर हर जगह हेडलाइंस बना रही है, पर क्या आप उनकी कहानी जानते हैं? आई एम ग्रेटफुल दैट आई कुड डू दिस फॉर माय कंट्री एंड माय पीपल। एज फॉर मी द मेडल मींस अ लॉट टू मी। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस मेडल। इट वाज अ लॉन्ग ड्यू फॉर इंडिया एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई वाज द मीडियम टू विन दिस मेडल फॉर द कंट्री। मैं किसी न्यूज रिपोर्टर की तरह साउंड कर रही हूँ ना, लेकिन न्यूज ही कुछ ऐसी है। आज मैं पूरे दिन टीवी के सामने बैठकर मनु भाकर की कहानी को फॉलो कर रही थी। उनके इवेंट को बहुत क्लोजली देखा मैंने एंड व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आई हैव टू शेयर इट विद यू गाइस। लेकिन सबसे पहले फैक्ट्स आउट ऑफ द वे कर लेते हैं। मनु भाकर इज द फर्स्ट इंडियन वुमन शूटर टू हैव वन एन ओलंपिक मेडल फॉर द कंट्री। इजंट दैट अमेजिंग? उनका नाम अब दिग्गजों के साथ लिया जाएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार, गगन नारंग एंड नाउ मनु भाकर। 12 साल के इंतजार के बाद मनु भाकर है वो शूटर जिन्होंने इंडिया के लिए एक ओलंपिक मेडल जीता है। बट क्या उनकी जर्नी आसान रही है? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और उनको और करीब से जानते हैं। मनु भाकर हरियाणा से हैं, झाझर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और बचपन से ही ना उन्हें स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। शी इज़ बीन इनटू बॉक्सिंग, शी इज़ बीन अ स्केटबोर्डर, उन्होंने टेनिस भी खेला है और काफ़ी मेडल्स जीते हैं, और नॉर्मल लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे। देन मच लेटर बिकॉज ऑफ हर डैड्स पुश शी गॉट इनटू शूटिंग एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बिकॉज हर पीक केम जब उन्होंने 2018 में, शी वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड बाय द वे। 10 या 12 साल की उम्र में उन्होंने शूटिंग स्टार्ट की एंड एट 16 ईयर्स शी हैड वन हर कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। शी वॉज अ यूथ ओलंपिक चैंपियन इज वेल, शी हैड वन अ गोल्ड इन दैट इज वेल। तो उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है एंड हर हाइएस्ट पीक केम वन शी वॉज 19 ईयर्स ओल्ड एंड शी रिप्रेजेंटेड इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। काफी सारे होप्स थे मनु भाकर से। टोक्यो 2020 में जाने से कुछ ही महीने पहले मनु भाकर का अपने कोच जसपाल राणा के साथ बहुत बड़ा फॉलआउट हुआ। इतनी सारी न्यूज और स्पेकुलेशंस आई थी। कुछ रिपोर्ट्स का मानना था कि कोच बहुत स्ट्रिक्ट थे, मनु भाकर को और फ्रीडम चाहिए थी। कई और रिपोर्ट्स का मानना था कि मनु इंडिया को 3 डिसिप्लिन में रिप्रेजेंट करने वाले थी। कोच चाहते थे कि मनु 2 ही डिसिप्लिन में कॉन्सेंट्रेट करे, 3rd डिसिप्लिन में किसी और एथलीट को भेजा जाए। ये बात मनु को बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड बिकॉज ऑफ दिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे हैड अ ह्यूज पब्लिक फॉलआउट। उसके बाद मनु नए कोच के साथ टोक्यो 2020 पहुंची। जब वो अपने इवेंट पे गई तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अ गन माल फंक्शन she had to face a huge disappointment. Now just imagine, 19-year-old girl has achieved so much in life aur Tokyo 2020 jo ek ultimate goal hota hai Olympics mein, wahan malfunction ke karan apne equipment ke she had to face disappointment and come back home empty handed without any medal. But after all the disappointment, turning point tab aaya jab Manu Bhakar ne ek din phone uthaya और अपने पुराने कोच जसपाल राणा को फोन किया और कहा, लेट्स ट्रेन टुगेदर। जसपाल राणा कुडंट से नो एंड मनु भाकर एंड द ओल्ड कोच स्टार्टेड ट्रेनिंग टुगेदर। दे ट्रेन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 एंड हियर इट इज टुडे, मनु भाकर आफ्टर ऑल द चैलेंजेस एंड द हार्ट ब्रेक्स हैज वन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एंड दिस इज अ स्टोरी दैट गिव्स मी गूज बम्स। मैंने जब इतने डिटेल्ड में इनके बारे में जाना, डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में, बैकलैश के बारे में, हार्ट ब्रेक्स के बारे में, आई वॉज लाइक आई हैव टू टेल यू गाइज दिस स्टोरी। नो मैटर हाउ लॉन्ग दिस फील्स, दिस स्टोरी इज समथिंग दैट एवरी वन नीड्स टू नो, क्योंकि लो के बाद शी इज लिटरली रिजन अप एंड टूडे शी होल्ड्स द, शी इज द ओनली इंडियन वुमन, लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, द ओनली इंडियन वुमन इन शूटिंग टू गेट एन ओलंपिक मेडल for India. So hats off to Manu Bhakar. We are very proud of you and can't wait to welcome you back home. But Tyagi ji, as always, is suited and booted in Jio Cinema Studios.
तो डे टू के सारे हाइलाइट्स वो हमें देंगे. Let's hear him out. Day 2 of Paris 2024 खत्म हो चुका है. It's been a busy day, it's been a hectic day, लेकिन खुशियों से भरा दिन रहा. और इसकी शुरुआत जो है वो दिन की शुरुआत में ही हो गई थी, क्योंकि मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए मेडल लाके तिरंगा जो है वो पहली बार इन गेम्स में लहरा दिया है. अब ये मेडल बहुत तरीके से सिग्निफिकेंट है, जिसके मायने हम आपको पहले ही समझा चुके हैं. सागा has been busy at it, so I'll let her do all the explaining. तो मैं थोड़ा सा दूसरी चीजों के बारे में बात करता हूं, क्योंकि वो ब्रॉन्ज मेडल तो बहुत ही बड़ी खबर रही डे टू की, लेकिन उसके अलावा जो अच्छे रिजल्ट्स आए टेबल टेनिस में, मनिका बत्रा वॉज इन एक्शन, श्रीजा अकुला वॉज इन एक्शन. श्रीजा अकुला खासतौर से स्ट्रेट सेट्स में अपने अपोनेंट को हराने में सफल रही. मनिका बत्रा को थोड़ी सी मेहनत मशक्कत लगी, लेकिन नेहा अग्रवाल जो थी वो हमारे साथ कॉमेंट्री बॉक्स में थी और उन्होंने कहा कि मनिका जो है ना वो स्वैगर के साथ खेलती हैं, वो पहले भी ओलंपिक गेम्स में रह चुकी हैं तो उनके पास अब एक्सपीरियंस है. अब देखना पड़ेगा कि आगे के राउंड्स में वो कैसे करती हैं, लेकिन जो पहली चुनौती है वो समाप्त हो चुकी है श्रीजा और मनिका के लिए. टेबल टेनिस की दुनिया से ही दूसरी खबर आती हुई वो थोड़ी सी सैड है कि अचंत शरत कमल, जो कि टेबल टेनिस के सर्टिफाइड लेजेंड है, अनफॉर्चुनेटली वो 126th रैंक्ड अपोनेंट जो कि स्लोवेनिया से थे उनसे हार गए. ह्यूज शॉक ऑब्वियसली. उसके अलावा टेनिस की दुनिया की तरफ चलें तो सुमित नागल जो कि हाईएस्ट रैंक इंडियन मेंस टेनिस प्लेयर हैं, जिन्हें शायद रोलैंड गैरोस की जो क्ले की सरफेस थी ज्यादा रास आती, लेकिन उनके सामने कौन आया, एक फ्रेंच अपोनेंट. और भले ही सेकंड सेट में उन्होंने कमाल का फाइट बैक दिया, लेकिन थर्ड सेट में 5-5 की स्कोर लाइन जो थी वो 7-5 बन गई और सुमित नागल को अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक गेम्स को इस बार गुड बाय करना पड़ा. सो टू डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, एक्चुअली थ्री, बिकॉज आर्चरी के वुमेन्स टीम इवेंट में हम लोग नेदरलैंड से खेल रहे थे और फेवरेट से, बिकॉज जिस तरीके से रैंकिंग राउंड गया था, क्वालिफिकेशन राउंड गया था, लग रहा था कि भजन और अंकिता और दीपिका की जो जो तिकड़ी है वो आसानी से सेमीफाइनल्स तक का रास्ता तय कर लेगी, बट इट वॉजेंट टू बी. अतनु दास जो कि दीपिका के हस्बैंड हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे. ही ट्राइड टू पुट अ ब्रेव फ्रंट, ही ट्राइड टू पुट अ स्माइल ऑन हिज फेस, बिकॉज इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आर्चरी से इतनी समय से इतनी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, बट वुमेन्स टीम ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया. होपफुली जब मेन्स टीम इन एक्शन होगी डे थ्री पे तो बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर खबर हमको मिलेगी. उसके अलावा द बिग न्यूज कमिंग इन, जो हमारी फ्लैग बेरर है, हमारी मल्टीपल ओलंपिक मेडलिस्ट यानी कि पीवी सिंधु, उन्होंने अपनी मॉल्डिवियन अपोनेंट के खिलाफ एक विनिंग शुरुआत की. सो दैट्स पॉसिबली द परफेक्ट न्यूज दैट केम फ्रॉम द बैडमिंटन वर्ल्ड, क्योंकि पीवी सिंधु की इंजरी, उनके फॉर्म, उनकी फिटनेस पे थोड़े से कंसर्न्स थे, बट उन्होंने जियो सिनेमा पे अपना इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने कहा एवरीथिंग इज फाइन. उनके लिए एक प्रैक्टिस गेम की तरह था, इस अपोनेंट को वो पहले भी हरा चुकी थी तो उनके वार्म अप्स कंप्लीट हो चुके हैं. और इवन जो क्लियर विनर्स थे उसको मारने के बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, थोड़ा सा मैं और लंबा खींचने की कोशिश करती हूँ इस मैच को, ताकि अपने सारे शॉट्स टेस्ट कर सकूँ. और अक्सर एलीट प्लेयर्स जैसा परुपल्ली कश्यप हमें स्टूडियो में बता रहे थे ऐसा करते हैं, ताकि वो अगले आने वाले डिफिकल्ट राउंड्स की तैयारी कर सकें. उसके अलावा दी अदर गुड न्यूज दैट्स कमिंग इन इज दैट द 32-year-old द हाईएस्ट रैंक इंडियन मेन सिंगल्स बैडमिंटन प्लेयर एचएस प्रणॉय ने भी एक विनिंग शुरुआत की है. स्ट्रेट सेट्स में अपने अपोनेंट को उन्होंने हराया और बता दिया कि भले उनका ओलंपिक डेब्यू हो, बट ही इज नॉट कॉल्ड द जायंट किलर एंड द घायल शेर फॉर नथिंग. चैंपियन मेंटालिटी है, चैंपियन माइंडसेट है. परुपल्ली कश्यप हमारे साथ स्टूडियो में थे, उन्होंने बताया कि बहुत समय तक साई प्रणीत, किदंबी श्रीकांत, इवन पुलेला गोपीचंद की शैडो में रहे एचएस प्रणॉय, और बड़े स्टेजेस पे शायद हमेशा एक रिजर्व प्लेयर की तरह रहे. लेकिन जब से भारत को थॉमस कप का गोल्ड मिला जिसमें एचएस प्रणॉय ने एक बड़ी भूमिका निभाई, तब से ही इज बिन अ मैन ट्रांसफॉर्म्ड, और अब वही ओलंपिक गेम्स में देखने को मिलेगा. बैडमिंटन एक बहुत बड़ी मेडल होप है, और मेडल होप से याद आया शूटिंग में मेडल होप्स बनी हुई हैं, बिकॉज रमिता जिंदल के साथ साथ अर्जुन बबूता दोनों ने ही 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है. तो कैन दे रिपीट द फीट ऑफ मनु भाकर, उस पे सबकी निगाहें होने वाली है. दैट्स अ रैप ऑफ डे टू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डे नंबर थ्री ऑन गेम फेस ऑन. निखत जरीन, टू टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, और फाइनली इन एक्शन दिखी आज अपनी जर्मन अपोनेंट के खिलाफ. शुरुआत थोड़ी सी धीमी रही, पहले राउंड में पिछड़ गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी क्लास और अपनी पावर और अपना टेम्परमेंट और अपना स्वैगर, तीनों चीजें, चारों चीजें बल्कि जो है बहुत क्लास के साथ उन्होंने दिखाई. विजेंद्र सिंह स्टूडियो में थे हमारे साथ, द बॉक्सिंग लेजेंड, पहले बॉक्सिंग मेडलिस्ट ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए. उन्होंने बताया किस तरीके से उनका लेफ्ट खूब अच्छी तरीके से चल रहा था, हाइट की सुपीरियर एडवांटेज थी उनके पास. लेकिन निखत जरीन का टेस्ट जो है वो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो अनसीडेड हैं इस टूर्नामेंट में बहुत अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से, जिसका मतलब ये हुआ है कि वो अगले राउंड में चाइनीज टॉप सीड वर्ल्ड चैंपियन और एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट से भिड़ने वाली हैं. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो कौन, निखत जरीन.